डियर स्टूडेंट, आज हम बैलेंस फूड पर चर्चा करेंगे। संतुलित भोजन किसे कहते हैं और संतुलित भोजन लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, संतुलित भोजन की क्या विशेषता है और संतुलित भोजन अगर न करें तो क्या होगा, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन मतलब वह भोजन जिसमें संतुलन बनाए हुए हमारे शरीर की जरूरत को पूरे करने वाले तत्व उपस्थित हो, ऐसे भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के ऊपर हम संतुलित भोजन बैलेंस फूड संतुलित भोजन यानी कि वह भोजन जिसमें आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त और उचित मात्रा में उपस्थित हो, संतुलित भोजन कहलाता है। संतुलित भोजन से हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संतुलित भोजन लेने से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों, रोगों और कुपोषण के शिकार होने से बच सकते हैं। अब इसमें मैंने आपको बताया कि संतुलित भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो। अब पोषक तत्व की जब हम बात करेंगे कि पोषक तत्व क्या है, पोषक तत्व वे तत्व जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर टू पे हम लेते हैं बसा। नंबर तीन पे आ जाता है आपका प्रोटीन और नंबर चार पे आ जाता है आपका विटामिन और नंबर पांच पे आ जाता है आपका खनिज लवण और छह पे आ जाता है आपका जल। तो ये छह प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, हमारे शरीर को इनकी सख्त जरूरत होती है ताकि हम निरोग रहें, कुपोषण का शिकार होने से बचें। इसलिए ये सभी तत्व हमें प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर को मिलना चाहिए और जिस भोजन में सभी तत्व उपस्थित होते हैं उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट जिससे हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है ताकि हम कार्य को बड़ी कुशलता और सरलता से कर सकें, हमारे शरीर को कार्य करने की ऊर्जा मिले, शक्ति मिले, क्षमता आए। कार्य करने की क्षमता हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसमें हम ले सकते हैं चावल है गेहूं है, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है ना, सभी प्रकार का धान अनाज। वसा भी हमें एक प्रकार से ऊर्जा ही प्रदान करता है और वसा एक वह पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में संचित भी रहता है और आवश्यकता पड़ने पर हमें ऊर्जा भी देता है। जैसे घी, तेली पदार्थ, जितने भी तेली पदार्थ होते हैं उनमें वसा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैसे घी है, तेल है ना, इनमें पर्याप्त मात्रा में वसा उपस्थित होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है और नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। और प्रोटीन दालों में, अंडे में, दूध में, मछली में, इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक दूध, अंडे, मांस और दाल सभी प्रकार की दालों का सेवन करना चाहिए। विटामिन की हम बात करें तो विटामिन ये हमें कुपोषण से बचाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी
हमें बचाता है। विटामिन के भी प्रकार हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, वी कॉम्प्लेक्स है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन हमारे शरीर को इनकी जरूरत पड़ती है और इनकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो हमें अंधापन आ जाता है, रतौंधी रोग आ जाता है, वर्ण अंधता आ जाती है, हम कलर को पहचान नहीं पाते हैं। विटामिन बी की कमी से भी हमें बेरी बेरी नाम का कुपोषण का रोग हो जाता है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है, और विटामिन डी से हड्डियां मुड़ जाती, रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आ जाती है, बांझपन आ जाता है। तो ये सब विटामिन हमें कुपोषण से बचाते हैं और हमारे शरीर में रोगों को आने से रोकते हैं। खनिज लवण जैसे कि पोटेशियम है, कैल्शियम है, सल्फर है, ये सब हमारे खनिज लवण, सोडियम है, क्लोराइड है ना, जैसे कि नमक है ना, ये खनिज लवण भी हमारे शरीर में इसकी भी पर्याप्त आवश्यकता होती है और यह पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में इसकी मुख्य भूमिका होती है। और जल, जल तो आपको मालूम ही, हमारा शरीर जो 75% जल से ही बना हुआ है, हमारे शरीर का 75% हिस्सा तो जल का ही बना हुआ है ना। तो अब आपको मैंने संतुलित भोजन किसे कहते हैं, संतुलित भोजन में पोषक तत्व का क्या महत्व है, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी ना हो इसके लिए हमें किस प्रकार के खाद्य पदार्थ का उपयोग करना चाहिए है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या में पाया जाता है, इसका भी मैंने आपको स्रोत बता दिया है, वसा का स्रोत, प्रोटीन का, विटामिन का, खनिज लवण और जल। तो इस प्रकार से आपको एक बैलेंस फूड लेना पड़ेगा ताकि आप दीर्घायु, लंबी उम्र आप जिए, आपको बुढ़ापा देरी से आए और आप स्वस्थ रहें। तो आपको संतुलित भोजन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।